हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, आज की वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है वो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 2016 में मेरे जो मार्क्स थे आउट ऑफ 184 कैसे आए थे। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी काम की है, क्योंकि इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सीवीटी 1 के लिए कैसी होनी चाहिए। आपका अगर 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलग अलग पार्ट में किया गया है, जैसे 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 मार्क्स का जो आपका है वो उसमें जीके, जीएस, इसके अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीए, करंट अफेयर सब कुछ आ जाएगा आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, और आप चाहें तो आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में। देखिए, सीवीटी 1 में आए मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब सीवीटी 1 में आपके जितने अच्छे मार्क्स होते हैं, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है जोन की, उसमें आपकी रैंक जो होती है उतनी ही अच्छी होती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके मेंस में कम मार्क्स भी आते हैं तब भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ, सीवीटी 1 के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ बनती है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें आपके सिर्फ मेंस या फिर आपका जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं आप जो इस वीडियो का टॉपिक है कि आप मार्क्स कैसे अच्छे लाएं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी 4 आवर्स स्टडी प्लान, यानी कि सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 4 घंटे को ऐसा बांट दो, उसका ऐसे पार्ट बनाओ कि जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये जो 4 आवर स्टडी प्लान था, ये आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो 4 घंटे हैं इन्हें टाइम में बांटना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है कि आपका हो जाएगा 1 आवर, इसके बाद 30 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर 30 मिनट्स, फिर 30 मिनट, और आखिरी में फिर 30 मिनट्स। तो अब ये जो टाइमिंग मैंने बांटी है ये आपको किस तरह बांटी है मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं मैथ की। देखिए, आपको मैथ फर्स्ट, मैथ सेकेंड दोनों तैयार करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ फर्स्ट भी आनी है एग्जाम में, मैथ सेकेंड भी आनी है। लगभग 25 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ फर्स्ट से, यानी अर्थमेटिक एलिमेंट्री मैथ से, और लगभग 5 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ सेकेंड यानी एडवांस मैथ से। तो कॉमन सी बात है, आपका फोकस सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए, अर्थमेटिक पे। तो मैं आपसे ये कहूंगा, जितने भी लोग कम से कम 1 घंटा मैथ को दे रहे हैं पर डे, उसमें से कम 40 मिनट दें मैथ सेकेंड को, खासतौर पर वो जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं, और सिर्फ 20 मिनट दें अर्थमेटिक को। इसके अपोजिट जो लोग साइंस वाले हैं, उन लोगों को क्या है, अर्थमेटिक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को मैं ये कहूंगा, आप अर्थमेटिक में सिर्फ 40 मिनट दें, और जो कि मैथ सेकंड है उसमें आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भी दें वो भी काफ़ी है। तो मैथ के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। और दूसरी चीज़ मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक को पहले इग्नोर कर देना है जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते हैं या कमजोर हैं, आपको सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पर करना है। और दूसरी चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है वो ये है कि कभी भी मैथ से डरना नहीं है, मैथ के किसी भी टॉपिक से। अगर आप मैथ के टॉपिक से डरते हैं, आप सोचते हैं ये टॉपिक मुझे नहीं आएगा, तो आपको तो मैथ का सिंपल सा भी टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये मान लें कि मैथ का किसी भी टॉपिक को मैं आराम से सॉल्व कर लूँगा, उसके किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर लूँगा, तो यकीन मानिए आप लोगों को मैथ अच्छे से आने लगेगी। तो मैथ के लिए मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि पहले दिमाग से डर निकालो, जो टॉपिक कमजोर है पहले उस पर फोकस करो, और उसी को सबसे ज़्यादा टाइम दो। इस तरह मैंने की थी अपनी मैथ तैयार। और मैथ के लिए मैंने जो बुक्स यूज़ की थी उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहे तो किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी लिंक से डाउनलोड करके लें। और जो मैथ की अच्छी बुक है सिर्फ मैंने वही सजेस्ट की है, इसके अलावा मैंने फालतू की कोई बुक सजेस्ट नहीं की है। इसके बाद अगले जो 30 मिनट है उनमें आपको रीजनिंग सॉल्व करनी। रीजनिंग की जहाँ तक बात की जाए, तो जो लोग सोचते हैं कि एनटीपीसी में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें रीजनिंग काफी टफ आई थी, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग काफी सिंपल आई थी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको टफ आएगी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए वो रीजनिंग काफी सिंपल होगी। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि रीजनिंग के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसी की रीजनिंग को ठीक अच्छे तरीके से लगाते रहें। बस खासतौर पर ये याद रखें कि वहां पर जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको पजल आएंगे, कम से कम 2 या 3 पजल आएंगे, जिनमें हर एक पजल में 3-3 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो पजल के लिए आपको अच्छे से तैयार रहना है, और हो सके तो जो बुक्स हैं आपके पास रीडिंग की उसी से पजल लगाते रहें। बस ये है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद बात की जाए, अगला 1 घंटा जो आपको देना है वो देना है आपको जीए के लिए, यानी जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें जो जीए के टॉपिक दिए गए हैं, सबसे पहले उन टॉपिक को आपको खत्म करना है। जैसे कि आपका विविध हो गया, मिसलेनियस के क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए आप चाहें तो आप लूसेंट की बुक ही पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, लूसेंट की जो बुक है उसे अपडेट करके चलना है। अपडेट मतलब जैसे उसमें क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए आप किसी ने 2016 की बुक ली, उसमें कोई क्वेश्चन दिया है कि सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, अब हाल ही में मान लीजिए वो चेंज हो गया हो, तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में खुद से उसे चेंज कर लेना है। या फिर आप कोई ऐसी बुक ले लें जो अपडेटेड हो पहले से,
तो मैं आपसे ये कहूंगा कि विविध को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि विविध से कई सारे क्वेश्चन आपको आने हैं, ये मान लीजिए। तो जीके के लिए सबसे बढ़िया यही है। इसके अलावा बात की जाए तो जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स के अलावा और भी आपके चैप्टर हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने बिल्कुल कम तैयारी की थी। मैं जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आ जाते थे जियोग्राफी के हो गए अपने, भूगोल, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या फिर अपनी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ इसी से तैयार करता था और इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। हिस्ट्री तो खैर मेरे पेपर में बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन बाकी जो आए थे वो मैंने सारे सारे लगाए थे। इसके बाद मैंने क्या किया था कि 30 मिनट मैंने दिए थे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को। देखिए 30 मिनट काफ़ी होते हैं, आधे घंटे में आप करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन पर डे याद कर सकते हैं जो आपको एग्जाम में आने लायक हैं। तो इसके लिए भी आप क्या करें, जो एनटीपीसी के सिलेबस में दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें फॉलो करें और कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। करंट अफेयर्स के बारे में चीज़ याद रखनी है, इस साल अगर एग्जाम होगा तो 2019 के लास्ट में और 2020 में होगा, तो आपको 2019 की ही करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़नी है। सारे के सारे क्वेश्चन को अपडेट करके चलें, सारे के सारे पढ़ते चलें। खास तौर पे अगर आप चाहें तो एक साल की कोई भी समसामयिक की बुक ले सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन हो एक साल के, या फिर 6-6 महीने की ले सकते हैं, इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्विज की तरह डाले गए हैं, और इसके अलावा अगर चाहें तो आप कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ पर पूरे पूरे करंट अफेयर्स डे बाई डे दी हुई है, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास कई सारे सोर्स हैं जिनसे आप करंट अफेयर्स अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह तैयारी की थी, हालांकि उस टाइम पे मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को नहीं देखता था, लेकिन मैंने अपनी सारी तैयारी बुक्स और इंटरनेट वेबसाइट पर क्विज खेल के की थी। और करंट अफेयर्स में से ये था कि अगर मुझे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे तो 10 में से मेरे कम से कम 7-8 क्वेश्चन सही गए थे, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, वो गलत हो गए थे। इसके अलावा बात करें साइंस की, तो अगले 30 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस तैयार करनी है। साइंस में क्या करना है, एक दिन आप फिजिक्स के टॉपिक निपटाइए, अगले दिन आप निपटाइए केमिस्ट्री के, अगले दिन बायो के, और सारी टॉपिक्स का क्या करें, एक आप एक लिस्ट तैयार कर लें कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक ख़त्म कर दिया। जैसे सपोज़ कीजिए आपने किसी दिन विद्युत के बारे में पढ़ा तो उस टॉपिक पर टिक लगा लीजिए, इसके बाद मान लीजिए अगले दिन आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा तो उस पर टिक लगा लीजिए, किसी दिन आपने मान लीजिए मानव रोगों के बारे में पढ़ा तो उस पर टिक लगा लीजिए। इस तरह सारे के सारे टॉपिक को आप क्लियर करते चलें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितनी साइंस तैयार कर ली है। देखिए मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था तो साइंस तो मेरी कमजोर थी, तो मैंने क्या किया, साइंस को प्रिपेयर करने के लिए मैंने सबसे पहले सिंपल सी बुक से पढ़ाई की, जैसे कि लूसेंट हो गई, लूसेंट के अलावा बात की जाए स्पीडी। अब जब मुझे लगा कि यार इनमें क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, इनमें क्वेश्चन पूरे नहीं है और ना ही कुछ टफ क्वेश्चन भी इनमें नहीं थे, सारे सारे सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे, और ये जो बुक्स थी ये मेरी महीने भर के अंदर रेडी कर ली थी मैंने, तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले मार्केट गया, मैंने कई सारी बुक्स देखी थी, उनमें मुझे सबसे बेस्ट लगी थी जीनियस की साइंस की बुक, जो मैं कई बार अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ उसके बारे में, और ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है और जो लोग इससे पढ़ रहे होंगे वो जानते भी होंगे कि ये बुक कितनी अच्छी है। अगर आप में से कोई भी ये बुक पढ़ रहा है, कोई भी जीनियस की साइंस की बुक तैयार कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब क्या हुआ, जीनियस की बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मेरे कई सारे डाउट क्लियर हुए, मुझे कई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी याद हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चन है जो मुझे एग्जाम में आए थे और मैंने उन एग्जाम में उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अच्छी खासी साइंस में मेरे मार्क्स आ गए थे। तो साइंस के लिए मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ बुक, मैंने उनकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, स्क्रीन पर भी आपको शो कर रही हूँ, ये बुक आपको जरूर लेनी है, काफ़ी बढ़िया बुक है। अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर बुक स्टोर से मिल जाए वहाँ से भी ले सकते हैं। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में कम से कम साइंस आपकी आएगी 8 से 10 नंबर की, अगर ग्रुप डी की बात करें तो उसमें कम से कम 12 नंबर की आएगी। तो देखिए इनमें से लगभग 80% आपकी जो साइंस है वो आती है बेसिक, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हो, ये आपको किसी बुक से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो 20% क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू होती है, तो उनके लिए मैंने खास तौर पर जीनियस की बुक ली थी। तो ये मैंने खुद बता रहा हूँ, मैंने सारी की सारी साइंस अपनी सही की थी, एक भी साइंस का क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था, जब मेरी आंसर की आई थी मैंने उसमें भी चेक किया था। इसके बाद अगली चीज, आखिरी के जो 30 मिनट हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पर ऐसे क्वेश्चन सर्च करने हैं जो एग्जाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन आपकी बुक्स में नहीं मिलते हैं, और ये 30 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 4 आवर स्टडी प्लान के लिए। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले इंटरनेट पर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें सर्च करना है। मैं क्या करता था कि मुझे मालूम था कि एनटीपीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सिर्फ 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको किताबों से मिलते हैं और आपके जो सिलेबस हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हटके आपसे पूछे जाते हैं, होते हैं आपके सिलेबस के ही हैं लेकिन आपको बुक में नहीं मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो किताब का सिलेबस आप पढ़ रहे हो, उसे इंटरनेट पर सर्च करते हुए पढ़ो। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंटरनेट पर सर्च करूँगा, अब उसके बारे में मुझे जो जो पॉइंट मिलेंगे
उन सबको मैं नोट करूंगा, जैसे कि वर्ल्ड में पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बनी, इंडिया में पहली कहाँ बनी, एशिया में पहली कब बनी, किसे सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया। इस तरह से मैं उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सबको याद करूंगा। तो ऐसे में क्या है, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट तैयार होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछने लायक होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो 4 आवर स्टडी प्लान है ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने खुद यही प्लान से स्टडी की थी अपनी पूरी की पूरी, क्योंकि देखिए यार 4 घंटे से ज़्यादा आदमी पढ़ने में बोर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से 4 घंटे काफ़ी होते हैं स्टडी करने के लिए। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप 4 घंटे ही, मिनिमम 4 घंटे पढ़ें। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है ज़्यादा पढ़ने की, तो आप क्या करें, आप मैंने ये पार्ट वाइज जो टाइम बांटा है इसका कि 1 घंटा 30 मिनट, आप इसी चाहे बढ़ा लें। अगर आपको मन है तो आप मैं 1.5 घंटे 2 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि फिर क्या है, हमारा जो दिमाग है कन्फ्यूज़ होने लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई 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 दिमाग में घूमती है। तो सिर्फ 4 घंटे काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों अगर आप यही प्लान फॉलो करते हैं और अगर आप इसी बेस पर तैयारी करते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग आराम से मैथ जो आपकी 30 नंबर की है उसमें से आप कम 25 नंबर ला सकते हैं, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही लाएं। इसके अलावा जो आपकी 30 नंबर की रीजनिंग आएगी उसमें से आराम से आप 25 से 30 के बीच में ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आपको कम से कम 18 से 20 नंबर की GK GA आनी है उसमें से आप 15 नंबर ला सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर 10 नंबर की आएगी तो 10 में से आप कम से कम 7 नंबर लाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर साइंस मान लीजिए 10 या 12 नंबर की भी आती है, वैसे 10 नंबर की आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप आराम से 8 नंबर ला सकते हैं। इस तरह अगर आप खुद टोटल करके देखें तो आपका मार्क्स कितने होते हैं, लगभग आपके मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 80, यानी 80 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों 80 आउट ऑफ 100 एक अच्छा खासा स्कोर है RRB NTPC में। अगर मान भी लीजिए कि आपके इनमें से एक दो नंबर कम हो भी जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने कम होंगे, 5 नंबर कम हो जाएंगे, तो आपके 75 क्या कम है एग्ज़ाम में। और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन भी होता है बाद में। खैर नॉर्मलाइजेशन तो ऐसी चीज़ है कि मार्क्स बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, तो वो एक बात की बात है, लेकिन आपको पहले स्कोर अच्छा करना है, नॉर्मलाइजेशन तो बात की बात है। तो मैं आपसे ये कहूँगा ये प्लान कोई बुरा प्लान नहीं है। अब इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज जो आप बुक से पढ़ेंगे। अगली चीज़ आपका प्रैक्टिस सेट। तो देखिए प्रैक्टिस सेट के बारे में एक चीज़ याद रखिए, प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्रैक्टिस सेट ही वही चीज़ है जो आपकी नैया पार लगाएगा एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपकी स्पीड बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी कर देता है, और साथ ही साथ आपकी जो कैलकुलेशन है उसे फास्ट करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो लगाते रहिए। और ये चीज़ याद रखिए हमेशा प्रैक्टिस सेट में किसी भी क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन परफेक्ट अच्छे तरीके से करना है आपको, चारों के चारों ऑप्शन को उसको पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल ये समझ लीजिए बाल की खाल निकालने से हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन के भी क्वेश्चन बनाते चलो। जैसे मैंने अभी आपने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक टॉपिक किस लिए कई सारे क्वेश्चन उठाए थे, कई सारे क्वेश्चन उसके बनाए थे, इस तरह आप भी प्रिपरेशन करें आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने भी यही किया था, जैसे मान लीजिए मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था तो उसमें मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, तो मैं क्या करता था इंटरनेट पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्च करके उसके बारे में कम से कम 5-10 पॉइंट याद कर लेता था। सपोज कीजिए इसके बाद मान लीजिए मुझे कोई और क्वेश्चन मिला, उसमें मान लीजिए मैंने हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखा मुगल के बारे में, तो मुगलों से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन याद करता था। इस तरह क्या था, मेरे पर डे के कम से कम 500-600 क्वेश्चन तैयार होते थे, वो भी सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से, लेकिन इस तरह तैयारी अच्छी खासी हुई थी। और ये तैयारी जो सारा का सारा जो मैंने अपना एक रूटीन बनाया था, ये सब मुझे काम आया था CBT 1 क्रॉस करने में। और यकीन मानिए अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं CBT 1 में, तो CBT 2 में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मार्क्स अच्छे लाएंगे तो आप कट ऑफ में आगे रहेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि आप पर डे का यही रूटीन बनाएं जो मैं बता रहा हूँ, और इन 4 घंटों के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है 50 मिनट में, और 85 मिनट उसके सॉल्यूशन को भी देने हैं, यानी लगभग 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। इससे क्या होता है आपकी तैयारी अच्छी होती है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, लेकिन महीने में कम से कम 3 या 4 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, ताकि आपको कंप्यूटर पर कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, पर डे 4 घंटे पढ़ें, 4 घंटे आप लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। और जिस तरह मैंने बताया सिर्फ कमजोर टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। और अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इन सब स्टडी प्लान और रूटीन को हटाने के बाद, वो है RRB NTPC का सिलेबस। तो सिलेबस सबको पता होगा, नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी शुक्र है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें से आपको सबसे पहले अपने वो टॉपिक तैयार करने हैं जो इस सिलेबस में दिए हुए हैं, सबसे मोस्ट यही टॉपिक है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इन टॉपिक को पहले तैयार करें, बचा हुआ जो है वो बाद में तैयार करें। क्योंकि जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो हम लोगों को भी सिलेबस आया था, तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस वाइज ही तैयार किया था, और सिलेबस वाइज तैयार करने के बाद फिर मैंने अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े थे, और एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए भी थे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी बात माने, जो मैंने बताया उसी तरह फॉलो करें, अपना रूटीन पढ़ाई का ही बनाएं, तो आप अच्छे से आराम से एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो
और ज्यादा जरूरी है बता देना, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे, कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। कई कहते हैं कि अब 4 घंटे में कुछ नहीं होता है, ये 2019 है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आप एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए, आपका दिमाग इतना कैपेसिटी है आपके दिमाग की कि आप कई सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, तो 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं आपको पढ़ने के लिए। आप कम से कम टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं। अब रही ये बात कि आप 10 घंटे और 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यार ये तो बेवकूफ़ी होती है, जो दिमाग पर प्रेशर डालना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम में कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, चाहे भले ही तुम 10 घंटे पढ़ लो या 16 घंटे पढ़ लो, लेकिन मेरी बात मानो, अगर आप 4 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हो, मेहनत से, तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और ये थिंक दिमाग से निकाल दो, ये थिंक अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि इस साल एग्जाम टफ आएगा। ये मान के चलो कि 2019 के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आना है और आपको भी उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को करते रहें, रूटीन में बढ़ाते रहें। अब अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस।